को सादर जय जिनेन। पूर्व गणधरवाद्य इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व कक्षा में हमने देखा था कि किस प्रकार से आत्मा की सिद्धि संख्या के आधार पर की थी, जिसमें हमने देखा जैन दर्शन जो है उसमें आत्मा अनंत अनंत बताई है, उसमें संख्यात भी है, असंख्यात भी है, अनंत भी है और अनंत अनंत भी है। परंतु हमने अन्य दर्शन के माध्यम से भी देखा था कि जो बौद्ध मत है वह आत्मा को क्षणिक मानता है, इसलिए उसमें कोई संख्या की बात ही नहीं आती। लेकिन जो वैदिक दर्शन है उसने एक ब्रह्म स्वरूप ईश्वर को ही आत्मा माना है और उसके ही सभी को अंश बता दिए। फिर आगे देखा हमने चार्वाक दर्शन वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता, ये चीज हमने देखी थी। और उसके बाद हमने ये भी चीज देखी कि संसार में अगर कोई भी जीव रहता है तो उसे शरीर आवश्यक है, अर्थात बिना शरीर के वह संसार में रह ही नहीं सकता, और इसी अपेक्षा से आत्मा संख्यात्मक है। ये भी चीज देखी कि जीव एक शरीर में एक जीव रह सकता है, एक ही शरीर में संख्यात जीव भी रह सकते हैं और एक ही शरीर में असंख्यात और अनंत जीव भी रह सकते हैं, जिसमें हमने देखा था कि अवक्ष जो होता है आलू गाजर मूली के आधार पर हमने ये चीज देख ली थी। और ये भी देखा कि जो जीव है वह सचित योनि में ही जन्म लेता है, अगर अचित योनि है तो उसमें जन्म नहीं ले सकता, ये चीज हमने पूर्व कक्षा में देखी थी। अब आगे की कक्षा के लिए मैं महाराज साहब से निवेदन करता हूं। बहुत धन्यवाद। अब हम एक आज विचार ये भी करना चाहते हैं। सबसे पहले बात अरे इच्छा क्या है, इच्छा कहाँ से उद्भवती है, इच्छा कौन करता है। इच्छा शब्द सबको मालूम है, सबके अनुभव की वस्तु है, लेकिन आज दिन तक हम इसका कोई रहस्य पता ही नहीं लगा पाए साहब। आखिर इच्छा है तो सही ना, अब चाहे वो शुभ है अशुभ है जैसी भी है या जितनी भी है, हम जिसको शुभ इच्छा कह सकते हैं अच्छी जो है ये हो सकती है, अब इसी तरह से अशुभ भी होती है, बहुत खराब प्रकार की इच्छाएं भी होती है। अब ये जो सारी इच्छाएं हैं, हमको पहले आज ये इच्छा का उद्गम स्रोत व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दैट विश, हम पहले ये भी समझने की कोशिश करें कौन करता है, कौन इच्छा क्या चीज है, कहाँ से इसका उद्गम होता है, क्या इसका उद्गम अपने आप हो जाता है, क्या इच्छा पर कोई कंट्रोल नियंत्रण होता है कि नहीं होता है। अब इच्छाओं का जगत के अंदर प्रमाण देखने जाए, इच्छाओं के प्रकार हम देखने जाए तो कोई हिसाब ही नहीं है साहब इसके अंदर तो। अब जितनी इच्छाएं हैं, अब इन सब प्रकार की इच्छाओं को आप देखें, अब कब किसकी इच्छा कौन सी किस विषय की कैसी इच्छा जगती है, सबके अलग अलग प्रकार की। लेकिन पहले हम ये समझेंगे कि प्रकार चाहे कितने भी हो, ये सब क्या है इच्छा के प्रकार जो आप देख रहे हो। अब इसके साथ में हम ये भी देखेंगे इच्छा का प्रमाण जो है वो कितना है। अब संसार के अंदर सभी जीव अपनी अपनी इच्छा के पीछे लगे रहते हैं, इच्छाएं पूरी करनी, इच्छाओं को कैसे पूरी करें इसके बारे में रात दिन लोगों की जो है ये धारणाएं बनी रहती है। और इच्छा की पूर्ति में सुख, इच्छा की पूर्ति न हो तो दुख, ये सारी धारणाएं तो लोगों ने बना रखी है। तो ये जो सारी धारणाएं बना कर रखी है आखिर वो किस प्रकार से कैसे इसका विषय समझे हम, तो ये भी थोड़ा सा हमको यहाँ पर आज विचार करना है। तो पहली बात यहाँ पर हम ये देखते हैं कि आखिर इच्छा जो है उसका जनक कौन है, कहाँ से इच्छा उत्पन्न होती है, ये सबको समझना बहुत अच्छी तरह से जरूरी है। बोलिए मीना बहन, कैन यू एक्सप्लेन दिस, व्हाट टाइप ऑफ दिस विश एंड फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स एंड व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दैट।
It starts from your own desires, your own soul, and it goes through your mind, and it comes out as such. Chalo. Arti ben, prakar, in the name, types of all the dishes, different types of, different kinds of, whatever type of. But the question is that, what type of, and whatever type of, but who is that? What is the origin of that? Ye humko pehle. देखिए अब सबको ये अच्छी तरह से मालूम है कि दो ही द्रव्य हैं पदार्थ जो हैं अब ये दो ही हैं एक चेतन जो है वो जीव द्रव्य है और दूसरा अजीव द्रव्य अजीव द्रव्य के अंदर आपने देख लिया आकाश है धर्मास्तिका है अधर्मास्तिका है पुद्गल बोलिए अब इनमें से कोई इच्छा करने वाला है बोलिए जैन साहब ये इनमें से कोई इच्छा करने वाला है क्या ये ग्रुप मैंने बनाया है अलग से अजीव कोई करने वाला नहीं है आकाश में कोई इच्छा होती नहीं, कोई नहीं करने वाला इसमें अजीब में कोई भी इच्छा करने वाला नहीं है हाँ जी अब सवाल ये हो गया जब अजीब में कोई करने वाला ही नहीं है तो बचा कौन फिर तो दूसरा कोई बचता ही नहीं है ये हम पहले समझ करके चल रहे हैं यहाँ पर अब अजीब और जीव का जो संगम होता है ना ये कौन है जीव है आप इसी को आत्मा कहिए अब ये आ रहा है यहां से और इधर से जो है ये पुद्गल अब ये जीव द्रव्य आया और ये पुद्गल के परमाणु है अब ये जीव जो है इन पुद्गल के परमाणुओं को लेकर के ही सब कुछ अपने रचना करेगा इसके बिना तो संभव नहीं है अब जो रचना ये करे और इस शरीर के रचना को ये आकार दे दिया जाए अब ये आकार हो गया सा अब इसके अंदर जो है आप ये देख रहे हो ये तो जीव है सा अब ये शरीर का आकार तो हो गया अब इसको आप ये देखिए कि ये एक प्राणी है अब इसकी कोई इच्छा होती है कि नहीं होती है इसको भी कोई इच्छा है कि नहीं है सा बोलिए बताइए आप किसको किसको इच्छा होती है बोलिए विपिन भाई जीव ने इच्छा था इसे सर हाँ जी अभी आप बताएंगे चोरड़िया जी किसको होती है इच्छा मासा इच्छा चेतन आत्मा को होती है जिनके ज्ञान दर्शन है ज्ञान दर्शन से मोहनीय कर्म से उससे यदि इच्छा आ जाती है तब वो इच्छा अशुभ हो जाती है और ऐसे आती है तो कसाय नहीं रहता तो इच्छा है फिर इस तरह का आपने समझा था अब आपको समझना क्या है पहले इच्छा करने वाला कौन है चेतन इच्छा कारक द्रव्य कौन है हम पदार्थ की इच्छा जो कर रहे हैं अब ये बात आ गई समझा अब आपने ये देख लिया कि ये तो जो बना है वो तो जो है शरीर है अब इस शरीर के अंदर ये जो है रहने वाली केवल आत्मा है ये शरीर है इधर सात्मा ने अपनी तरह से ये बना दिया मन इधर आपके पास वचन प्रयोग भाषा के लिए है अब ये तीन इंस्ट्रूमेंट जो है वो मुख्य रूप से साथ में हाँ जी अभी आप बरोबर समझ सकते हैं क्लियर हो रहा है पिक्चर देखिए आप अब इसमें से आपको समझना है
बोली इच्छा है बेन, अबे क्या इच्छा कौन करे छे? हम तो सब एवं कही सकते कि आत्मा जी इच्छा करे छे, तो जीव तो इच्छे। चलिए साहब, कौन बोलना चाहते हैं? राहुल जी आप आए हैं आज, बहुत अच्छा है, धन्यवाद। बोलना चाहते हैं? नहीं बोलो। नहीं, आप नहीं बोलना तो ना कर दो ना, ऐसे कह दो, नहीं तो टाइम बिगड़ता है। बोलिए अजी। अब प्रवीण भाई, इच्छा कौन करे छे? इच्छा करनारो कौन छे? आत्मा जी, आत्मा इच्छा करे छे, अने ए मनना साधन थी पछी वक्तव्य थी वचन थी रजू करी सके छे। बस बस करो, चलो। अब आप पहले ये सोचना है करने वाला कौन है। नरेंद्र जी आप ये बताइए इसके अंदर कि मन क्या करता है। द्वारा जो तरंगे निकलती है, मन उसको विचार प्रोसेस करके तरंगे बाहर छोड़ती है, मन साधन है। आजी, अब मन इच्छा करने वाला है कि नहीं है? आत्मा इच्छा करती है या मन इच्छा करती है? बिना बेन शाह बोलेंगे, आत्मा इच्छा करती है, मन इज पुद्गल सो इट कैन नॉट हैव एनी डिजायर। चलो अब ये बात हो गई कि मन जो है, अभी आपने बोला था जैन साहब कि मन बनता है किसमें से, तो पुद्गल द्रव्य है। अजीव के ग्रुप में हमने उसको जो है आकाश धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका है बाद में पुद्गल का नाम दिया। तो मन तो मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणुओं से बना है। आगे बात, शरीर बना है औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं से। वचन योग बनता है भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु। तो ये हो गई ना बात पूरी कि वचन भी जड़ योग है, शरीर भी जड़ पुद्गल का है और ये भी जड़ पुद्गल का बना हुआ है। अब रहा कौन सा? चेतन सिर्फ एक अकेला ही द्रव्य है, चेतन तो कोई दूसरा है ही नहीं। सब मन जो है बन गया, आत्मा नहीं बनाया मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणुओं से। तो मन एक पिंड ही है, जड़ पिंड है। शरीर बना दिया औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं से, शरीर भी जड़ है। वचन योग भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं से ही बनता है, ये भी जड़ साधन है। अब चेतन तो सिर्फ अकेला आत्मा ही है। अब चेतन आत्मा के गर्भ में आपने जब ये देखा है, ये जब उसका ज्ञान दर्शन है, अब इसके अंदर आपको ये देखना है कि आखिर जो है कहां से आए इच्छा तत्व, कैसे संभव हो पाया, समझे कि नहीं। तो ये जब पहले हम इसको भेद रहस्य खोलना है इसका, तो अब आपको इसमें से ये समझना कि करने वाला कर्ता कौन है। इच्छा जो है हम, हमारा कंसेप्ट आज क्या है, सिद्धि तो आत्मा की करनी है। पहले इच्छा की सिद्धि करिए आप, फिर आत्मा की सिद्धि की बात आएगी। बोलिए नवीन भाई, अबे यहाँ जो इन्हें ख्याल आवे छे, देखिए आप डायग्राम देखिए। हाँ जी महाराज, आत्मा ज्ञान तरंगों को कर्म के कारण खोलता है, उससे इच्छा होती है। चलो हाँ जी मेहता जी, क्या कहेंगे आप? ज्ञान का, ज्ञान की तरंगे जब कर्मों के आवरण से निकलती है तो वो विपरीत होके वो इच्छा करने को लगती है। अब बात कहाँ आई कि आत्मा जो अपनी तरफ से इसने ज्ञान गुण रखा है, तो यही आत्मा जिसने ज्ञान को
अपने में समाये हुए रखा है तो अब आप उसको ज्ञाता कहेंगे, और जिस दर्शन गुण को आत्मा ने रखा है तो अब आत्मा ने आपने क्या कहा, दृष्टा। ये दोनों शब्द क्या है, ज्ञाता दृष्टा भाव, अर्थात हम क्या कहेंगे, आत्मा ज्ञाता दृष्टा है। क्यों है? क्योंकि दर्शन गुण के आधार पर दृष्टा भाव से जब देखने की क्रिया करती है इसलिए आत्मा दृष्टा है। इधर आत्मा जो है ज्ञान गुण का उपयोग करती है इसलिए वो ज्ञाता है। तो ज्ञाता भाव दृष्टा भाव दोनों ही आत्मा का है। अब इच्छा करता कौन हुआ, अब ध्यान दीजिए, इच्छा का करने वाला कौन हुआ? तो यहां पर ये दोनों जो ज्ञाता दृष्टा भाव तो आ गए। अब इधर आपको ये देखना है दोनों के अंदर से ये जो है मोहनीय कर्म है। अब इस मोहनीय कर्म को हमने यहां पर ये चार डिवीजन में देखा है, तो मोहनीय कर्म ही। अमोहनीय कर्म के डिवीजनों में आप देखिए, यहाँ पर जो है ये मिथ्या तो मोहनीय, ये कसाय मोहनीय है, नो कसाय मोहनीय है, और वेद मोहनीय है। ये चारों तरफ से जो है मोहनीय कर्म है। अब आप ये भी बात अच्छी तरह से समझ गए। फिर से मैं पूछता हूँ साहब, ध्यान देना अच्छी तरह से। आप आत्मा है तो कर्म है कि कर्म है तो आत्मा है, बोलो। दोनों में से आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। बोलिए चलिए जी, आपको जवाब देना है जी। हाँ, आत्मा है तो कर्म है। चलिए साहब, कर्म है तो आत्मा है ऐसा कहने से गलत कैसे होगा? बोलिए आरती बहन, बोलेंगे। क्वेश्चन नहीं समझ रहा। चलो वेरी गुड, नाटा जी आप बोलेंगे। आत्मा है तो कर्म है मेरा सर। हाँ जी, आत्मा है तो कर्म है और कर्म है तो आत्मा है ऐसा कहने में क्या गलत हो जाएगा? क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि आत्मा है तो कर्म है, तो जब आत्मा यहाँ सिद्ध शिला पर चली जाए, अब वहां पर कर्म नहीं है तो भी आत्मा है ना? कर्म नहीं है। हाँ, कर्म नहीं है तो भी आत्मा है। तो ये बात हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब संसारी अवस्था के अंदर कर्मों के कारण आत्मा की सिद्धि और आत्मा के कारण कर्मों की सिद्धि, थोड़ा सा ध्यान देना, समझना। क्योंकि बिना आत्मा के कर्म बनता ही नहीं है, और कर्म बनाने वाली आत्मा ही है। तो कर्म है तो आत्मा की सिद्धि हो सकती है, और आत्मा है तो कर्म की सिद्धि हो सकती है। आप इसको जो थोड़ा और डिटेल से अगली नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, कर्मों के कारण आत्मा की सिद्धि। आज हमने कंसेप्ट लिया है इच्छा तत्व का। अब मैं क्या लिखूं, कहां पर लिखूं साहब, ये ध्यान दीजिए। रोहन राहुल जी, क्या ज्ञान से इच्छा हो रही है कि दर्शन से इच्छा हो रही है? मोहनीय कर्म से इच्छा हो रही है कि ये चारों विभाग से इच्छा हो रही है? इच्छा खराब है, इच्छा अच्छी है, वो बाद में बात है। इच्छा करने वाला कर्ता कौन है, पहले हमको ये सिद्ध करना है, समझना है। क्यों इच्छा होती है, इच्छा कैसी होती है? इफ यू विल आस्क टू एनीबडी द व्हाट टाइप ऑफ द स्वीट, व्हाट इज द स्वीट, anybody will give you the proper answer that which contains the sugar or jaggery, then it makes it like a sweet, you see. तो वो पहले यहाँ देखिए, तो इच्छा जो है वो ज्ञानात्मक ही है। अरे ये बात समझ में,
मेन पहले अंदर हमको क्या देखना है, आत्मा का सबसे बड़ा मुख्य गुण जो है वो अंदर कौन है, वो अगर हम पहले इसी को समझने की कोशिश करें तो ये आत्मा के मुख्य गुण में पहले आत्मा का ज्ञान दर्शन गुण है। अब ये जिस समय जिधर जाकर के जिसमें डिवाइड होगा, आ रहा है ख्याल में आपको, आत्मा का मुख्य गुण जो है ज्ञान दर्शन, और इसी इन दोनों के कारण ही जो है जब ये ज्ञान इकट्ठा हुआ, दर्शन इकट्ठा हुआ, अब ये चेतना शक्ति बनी, और जिसके अंदर ऐसी चेतना शक्ति है अब वो चेतन द्रव्य बना, ये है चेतन द्रव्य। अब आप थोड़ा सा समझ लीजिए, इधर से ख्याल आ जाएगा आपको, क्योंकि जो ज्ञान दर्शनात् मुख्य गुण है, बाकी सभी गुण है लेकिन ये मुख्य है, इधर ये जब जाकर के इकट्ठे होंगे तब ये चेतना बनी, चेतनावान जो है वो चेतन द्रव्य है। अब इधर अगर आपने इसको इधर डिवाइड किए तो ये चली जाएगी वेदन संवेदन में, वेदन संवेदन करना किसका काम है, ज्ञान दर्शन ही है इसके अंदर भी मुख्य रूप से। वेदन संवेदन अनुभव जाना है, आप उसको कल जाकर के वेदना बना दोगे, वेदन संवेदन अलग था, वेदना अलग है, वो भी ज्ञानात्मक ही है, वो भी ज्ञान दर्शन प्रदान ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें। यही जब इस तरफ से नीचे उतर जाती है, अब यहाँ पर आ जाएगी, किस में आएगी, ये मोहनीय कर्म के घर में आ जाएगी, इधर चल करके वो इच्छा बना लेगा सब, यही ज्ञान है, यही ज्ञान दर्शन जो है वो इधर से उतरा है, वो इसमें आया है, समझे कि नहीं, अब वो इच्छा तत्व बन जाएगा। ज्ञान आत्मा का मोहनीय कर्म के प्रकृतियों में रंगा जाए, उसमें से जो विचार प्रकट हो वो इच्छा बन जाती है। आई बात समझ में यहाँ से, अब ये चलेगा यहाँ से, अब ये जो है इधर से व्यक्त होगा, अब ये इधर से व्यक्त होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, मन इच्छा नहीं कर रहा है, मन का तो काम मात्र इतना ही है कि जो आत्मा के घर में, आत्मा में जो ज्ञान तरंगे प्रकट हो रही है उसको बाहर विचार में व्यक्त कर, जब बाहर विचार में आ जाएगी, ये काम है यहाँ पर, इसका विचार करना इसका काम, ये भी मत कह देना कि मन जो है वो विचार करता है, क्या ले, विचार कौन करता है, बोलिए साहब, पहले वापिस वहां गलती ना हो जाए, अंसा बेन, विचार कौन करता है? हाँ सर जी, विचार तो आत्मा ही करता है मोहनीय कर्म के कारण। आगे का मत, आगे का अधूरा ही वाक्य काम का था आपका, प्राइज आ जाता, मोहनीय कर्म के कारण विचार नहीं हो रहे, ज्ञान दर्शन है मुख्य रूप से, आत्मा की ज्ञान तरंगे जो प्रकट होती है, या इधर अगर वो न जाए और डायरेक्ट इसी से निकलने लग जाए तो ये जो है आत्मा के अंदर जो ज्ञान तरंगे उद्भवती है, अब मात्र मन एक डिवाइस जो है वो उसको व्यक्त करता है बाहर, तब जाकर के वो विचार में परिवर्तित होता है। थोड़ा बेसिक चीजें समझ लो, नहीं तो लौकिक व्यवहार में तो सब बोलेंगे साहब मन ही इच्छा करता है, मन में इच्छा होती है, लैंग्वेज तो सबकी सेट हो चुकी है, लेकिन वो औपचारिक भाषा है, ख्याल आया, उसके कारण मन विचार करता है, मन इच्छा करता है, मन करता है, आप ये पकड़ के बैठ जाओगे तो वो फिर चेंज ही नहीं होगी। सर बात ये हो गई है,
हमारा माइंडसेट उस प्रकार का बन चुका है। इधर वास्तविकता जब हम पदार्थों को एनालिसिस करके उसकी क्रिया देख रहे हैं तब ये रहस्य खुल रहा है। मन मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु से बनाया हुआ मन एक जड़ साधन एक डिवाइस है। तो आत्मा का ज्ञान जो है वो आत्मा में है, चेतन है आत्मा, इसलिए चेतना में ज्ञान है। कोई आत्मा का ज्ञान दर्शन कोई जड़ में चला नहीं जाता है। जड़ पुद्गल परमाणु अनंत अनंत काल में भी ज्ञानवान बन नहीं जाता है, चाहे कितना भी काल बीत जाए उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आप जो देख रहे हो आत्मा के अंदर से उतरी हुई शुरू हुई ज्ञान तरंगे, अब वो इधर से जाए इधर से जाए इधर से जाए इधर से जाए, उसमें एक निमित्त आ जाएगा मोहनीय कर्म। अब यहां से ये ज्ञान तरंगे बाहर निकलेगी तो मोहनीय कर्म के अंदर जो होगा उसको लेके निकलेगी। योर मोबाइल हैविंग दैट टाइप ऑफ मैकेनिज्म इनसाइड, व्हाट एवर यू विल बी स्पीक इट विल जस्ट रिले। तो वैसे ही यहां पर है, ये अब हमको अंदर से रहस्य खोलना है। तो फिर इच्छा क्यों होती है, अच्छी इच्छा खराब इच्छा, ये इच्छा ऐसी इच्छा ऐसी इच्छा, ये सब क्यों होती है, इसका प्रश्न है यहाँ पर। कल आप बोलेंगे साहब एक इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय जीव है, तीन इंद्रिय जीव है, चौर इंद्रिय जीव है। अब जिनको मन ही नहीं है, अब मन नहीं है तो अंदर से इच्छा होने वाली नहीं होगी क्या, कि खाली जिसको मन है उसी को इच्छा होगी? बोलिए मेहता जी, पहले ये रहस्य खोल दो आप, ख्याल आ जाएगा। मन नहीं है तो भी इच्छा तो होगी। अब करो प्रूफ करो पहले। बोलिए प्रवीण भाई, हमारा ना पार से जो तुम्हें प्रवीण भाई बोलो। जी विषय होती है ना वो अलग हो गई, जी विषय का शब्द अलग अर्थ है। इनका क्या कहेंगे आप? व्यतिक्रमण मन नहीं, मन नहीं है, कर्म तो है कि नहीं, आत्मा है, ज्ञान दर्शन है, उसका कर्म है, उसके भी अंदर जो है राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ विषय वासना काम संज्ञा आहार निद्रा मैथुन परे सब पड़ा है, सब है उसके अंदर, खाली वो मन नहीं है। तो मन जो है उन विचारों को व्यक्त करने का जो साधन था वो नहीं है। कर्म तो सत्ता में पड़े हैं, सब प्रकार के कर्म पड़े हैं, समझे? अब क्या है, उसकी इंद्रियां ही उसके लिए लब्धेंद्रिय भावेंद्रिय द्रव्येंद्रिय कर्मेंद्रिय, ख्याल है कि नहीं, ये सारे निमित्त बनेंगे। अब वो डिटेल हम ज्यादा आज में जब वो एक क्लास सीरीज चालू करनी थी जैन बायोलॉजिकल स्टडी तब करेंगे, अभी पहले आप इसमें समझना है। आ रही बात ध्यान में थोड़ी सी? तो जब मन हो या ना हो, मन नहीं होगा तो भी आत्मा के कर्मों में कोई फर्क नहीं है, मन है तो आत्मा के कर्मों में कोई फर्क नहीं है सर। कर्म तो वैसे ही सत्ता में, जीव निगोद में है तब से कर्म है, सभी कर्म है निगोद में है तब से उसके लिए सब कर्म है, समझे कि नहीं? तो ये हमको पहले यहां पर समझ लेना पड़ेगा। अब आई बात यहां पर आपको ख्याल में, तो ये जो है यहाँ पर पहले ये दो डिवीजन आपने कर लिए, ये जो है ज्ञान है, इधर जो है ये दर्शन है। अब इधर क्या है, ये मोहनीय कर्म है। अब इधर मोहनीय कर्म के घर के अंदर आपने ये चार निमित्त देख लिए सब। अब इधर जो है एक सबसे बड़ा कारण मिथ्यात्व का है और ये कसाय का है। ये कसाय का जो कारण है उसको भी समझ लीजिए, आपको ख्याल आ जाएगा किस प्रकार का कैसा कसाय। प्रवीण प्रवीण भाई तमारू जरा म्यूट कर जाओ, आवाज आवाज। तो यहाँ पर जो है आपको ये देखना है,
कि मोहनीय कर्म के घर में ये जो है नौ कसाय है ये वेद मोहनी है। थोड़ा सा ध्यान से इधर देखिए आप, तब आपको ख्याल आएगा। अब इसके अंदर जो है आपने ये देखा आत्मा की ज्ञान तरंगे, ये जब इसमें से उठ करके बाहर निकलेगी साम, अब ये जब उठ करके बाहर निकलेगी तो कसाय भाव के अंदर एक तरफ जो है ये राग हो गया, इधर कसाय भाव के अंदर ये द्वेष हो गया, इधर इसी कसाय भाव के अंदर ये क्रोध हो गया, ये मान हो गया, ये माया जो है इसके साथ है, इसके साथ ये लोभ हो गया। अब जब आत्मा अपनी तरह से इन ज्ञान दर्शन को वो यहां से खींच करके राग में लाए तो इधर आए, यही आत्मा की ज्ञान तरंग के इधर जाए तो इसमें, अब यहां से यही ज्ञान तरंगे जो है वो ये खींच के ले तो इधर जाएगी, वही ज्ञान तरंगे इधर ले करके जाए तो इधर से आएगी। सब ये सारे विषयों के अंदर आपकी ज्ञान तरंगे अभी पहुंची है, इधर से लेकर के जब ये यहां से निकलेगी, इधर से लेकर जब ये यहां से निकलेगी, इधर से लेकर के जब ये यहां से निकलेगी, तब जा करके ये जो विचार है इसमें से ध्यान दीजिए आप। अगर इधर आप ये देखते हैं कि बिल्कुल वाइट थ्रेड सफेद धागा है, अब वो सफेद धागा इसने लाल बनाया, इसने पीला बनाया, इसने काला बनाया, इसने ब्लू बनाया, इसने ग्रीन बनाया, जिसको जैसा रंग रंगना था रंगा, अब जैसा रंग में रंगना था वो रंग करके उसको बाहर निकाला। अब आपके अंदर इसमें क्या क्रोध के अंदर क्या भरा था, कौन सी कर्म प्रकृति थी, उसमें से लेकर निकला तो वो इस प्रकार से निकला, मान में से लेकर निकला तो वो इस प्रकार से निकला, माया में से निकला तो वो इस प्रकार से निकला। इनके अंदर जो कर्म की प्रकृतियां हैं क्या लाया आपको। अब इसके अंदर आपने ये देखा कि यहाँ पर ये जो है ये राग भाव, अब इसने यहाँ से इसने किसमें लाया है तो माया के अंदर, लोभ के अंदर वो कर्म प्रकृति कितनी है, ये सब कर्म की प्रकृतियां अंदर जो है इंटरनल सब डिविजनल कर्म प्रकृतियां, ये लोभ है तो इसके अंदर ये सब डिविजनल कर्म प्रकृतियां हैं सब। अब ये सारी कर्म प्रकृतियां हैं, ये ज्ञान तरंगे आत्मा ने इधर ली, ये राग में से लोभ में से आकर इसमें निकली, ये कर्म प्रकृति इसमें ली, ये बरोबर इसमें निकली। अब इधर जो है आप ये देख रहे हो कि ये द्वेष भाव, अब ये द्वेष भाव चल करके इधर क्रोध में आ जाए, इधर आकर के ये मान में आ जाए, तो इसकी सब डिविजनल कर्म प्रकृतियां बरोबर बनी हुई है। अब ये कर्म प्रकृतियां जो हो जिसकी हो जितने प्रमाण में हो तो क्रोध क्या करेगा, जिसके प्रति आपका द्वेष भाव है तो किसके प्रति आपका द्वेष भाव है, अब कितना द्वेष भाव है, किसका कितना द्वेष भाव है, वो यहां से ज्ञान तरंगों को उठाएगा, वो इसके अंदर सब्जेक्ट को सेट करेगा, अब वो यहां ला करके इसको क्रोध के रूप में बाहर लाएगा। बस इतनी सी बात है। अब द्वेष भाव के अंदर आपको अपने भाई से, बड़े भाई से, बहन से, चाचा से, मामा से, किसके साथ आपका द्वेष भाव बना हुआ है, उनके प्रति कौन से किस विषय में है, मेरा 1 लाख नहीं दे रहा है इसके लिए अब मैं 1 लाख लेके ही छोड़ूंगा सा, अब वो यहाँ से अपनी ज्ञान तरंगों को लाकर द्वेष में कलुषित करेगा, वो कलुषित करके क्रोध के माध्यम से विचारों में बाहर फेंकेगा,
अब वो विचारों में बाहर फेंक करके आपके विचारों को और ज्यादा कलुषित कर लेगा। अब ये राग द्वेष की तीव्रता बनेगी, ये क्लेश कषाय की तीव्रता बनेगी सा। अब क्या करना, एक व्यक्ति किसी के प्रति द्वेष रखे, वैमनस्य रखे, दुर्भाव रखे, अब वो क्रोध कषाय से अब उसकी बुराई करने में 10 जनों को रोज बोलेगा, कोई किसी को बोलेगा। कमठ ने मरुभूति के प्रति जो द्वेष और दुर्भाव रखा है तो सगा भाई है, लेकिन जो द्वेष और दुर्भाव रखा तो वो उसी प्रकार के, अब वो विचारों के अंदर तरंगों में घोलता जाएगा, घोलता जाएगा, घोलता जाएगा। अब वो सारी इच्छाएं बनकर बाहर प्रकट हो रही है। ऐसी स्थिति के अंदर अभी यहाँ मोहन या कर्म का 2 डिवीजन और बाकी है। ये अंदर आपने ये देखा, यहाँ पर जो है एक विभाग यहाँ पर 9 कषाय का है। ये 9 कषाय में ये हास्य है, रति है, अरति है, भय है, शोक है, जुगुप्सा है, ये इस प्रकार की बनी हुई है। अब यहां से ही इसने राग भाव में से ला करके इसमें डाला, अब ये हंसने की इच्छा हुई, इसमें से ले गया पसंद ना पसंद के भाव आए, इसमें से ले गया इधर से हुई, ये ज्ञान तरंगे द्वेष भाव में से इधर से ला करके व्यक्त की, उसके अंदर पसंद नहीं है सब, ना पसंद का भाव आया सब। अब ये बदलती है, कल एक लड़की के प्रति वो एक युवक कह, नहीं मुझे ये पसंद है, मैं इससे ही शादी करूंगी। अब वो शादी करता है, 2-3 साल के बाद बोलता है कि नहीं मुझे तो नहीं, मैं तो इसको मार डालूंगा। क्या हुआ, वो राग द्वेष में बदल गया। बस बात इतनी सी है। इधर आप ये देखेंगे एक विभाग जो है यहाँ का कर्म जो है ये है वेद मोहनीय कर्म। अब वेद मोनिया के अंदर स्त्री वेद की प्रकृति है, पुरुष वेद की प्रकृति है, नपुंसक वेद की प्रकृति है। ये क्या कर रहा है, ये अब यहां से ज्ञान तरंगे तो यहां से ली, दर्शन से देखने की प्रकृति यहां से ली, अब ये सो निकल करके बाहर आ रहा है, ये इधर से निकल के, इसको आप बोलेंगे सेक्सुअल डिजायर जो है, ये सेक्सुअल डिजायर बन गई। पहले आप यहां से भेद समझ लो, ज्ञान दर्शनात्मक है, जैसे ही रास्ते चलते किसी को देखा, देखते ही उसने जाना, फिर उसके अंदर जो है ये राग भाव बना, ये राग भाव आकर के 9 वेद मोहनीय में आया। अब वो कहता है कि मैं इसी स्त्री से शादी करूंगा, एक युवती बोलती है मैं इसी पुरुष से शादी करूंगा, तो ये सेक्सुअल डिजायर जो है विषय वासना, और वो भी तो इच्छा रूपी तो है, इसको आप कामेच्छा बोलिए, काम वासना बोलिए, विषय वासना बोलिए, सेक्सुअल डिजायर बोलिए, करता कौन है, करने वाला आत्मा है, किस कारण से क्यों करता है ये उसका कर्म बताइए आप। अब स्त्री वेद के अंदर क्या होता है, अपोजिट पुरुष के साथ में शरीर की इच्छाएं पूरी करना है, पुरुष वेद के अंदर स्त्री के प्रति अपनी शारीरिक मानसिक इच्छाएं पूरी करना है, एक पुरुष स्त्री के शरीर से अपनी वासना पूरी करना चाहता है, एक स्त्री पुरुष के शरीर से अपनी वासना पूरी करना चाहती है, और जो है थर्ड जेंडर जो है वो तो नपुंसक वेद है, तो वो अपने ज्ञान दर्शन से इधर से ला करके इसमें से बाहर निकालेगा, वो अपनी इच्छाएं संतोषने में लग जाते हैं। कर्ता आत्मा है, कारण कर्म है, ये भी साथ में ध्यान दीजिए, कर्ता तो चेतन आत्मा ही है, कारण निमित्त जो है किस कारण से कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये इसके वेद मोहनीय के विषय वस्तु। कभी आपने भी सुना होगा कि एक साधु संत महात्मा और वो अपना साधु जीवन छोड़ करके संसार में आके शादी करते हैं, क्यों करते हैं, तो है तो ज्ञान दर्शन की तरंगे हैं,
अब उसको डाइवर्ट कर दी इधर और डाइवर्ट करके उसको इधर लाई। तो वो राग भाव की बुद्धि से आकर के वेद मोहनीय कर्म की प्रकृति में आए। अब ये कर्म उसका सॉलिड था, वेद मोहनीय की वृत्तियां तीव्र थी, इधर राग आदि भाव की तीव्र थी। वो अपना साधुपना छोड़कर जाकर संसार के अंदर फिर शादी करता है। अब ये तो संसार के अंदर कर्म का उदय है तो चलेगा। हाँ, ये जरूर था उसके पास कि साधुपना चारित्र धर्म था। वो अपने ज्ञान को बढ़ाकर, दर्शन को बढ़ाकर, चिंतन मनन की धारा से अपने इस वेद मोहनीय कर्म की निद्रा कर सकता था, बहुत अच्छी निद्रा करके अपने कर्म को घटा सकता था, तो वो ऐसा कदम नहीं उठाता, नहीं करता। इधर ये ज्ञान दर्शन की तरंगे अब कब राग में से आए तो हंसने की इच्छा होती है, रोने की इच्छा होती है, डर भी लगता है, पसंद भी आता है, भाता भी है, नहीं भी पसंद आता है, फिर उसको भय जुगुप्सा भी रहती है। अब अगर आपको ये पूछा जाए एलसी जैन साहब, तो आप ना बोलेंगे हंसता कौन है, रोता कौन है, तो अभी आप ना बोलेंगे नहीं नहीं आत्मा तो हंसती नहीं है, आत्मा तो रोती नहीं है, आत्मा तो, अरे भाई साहब फिर आत्मा नहीं करेंगे तो हंसता रोना कौन करता है? हंसने का काम किसका है, रोने का काम किसका है? कोई आंखें रोती है क्या, आंखें आंसू निकालती है क्या, और दांत हंसते हैं क्या, होठ हंसते हैं क्या? हम उसी पर देंगे। तो भाई ये भी तो आपको ख्याल है, शरीर तो जड़ पुद्गल का बना हुआ पिंड है, दांत तो जो है वो है क्या, बोन के ही तो पोर्शन है, हड्डियों का भाग है एक दांत, लिप्स पैलेट जो है, लिप्स क्या है भाई साहब, आपको जब रोना है तब रो सकते हो, हंसना है तब हंस सकते हो। ऐसा बोलेंगे कि दांत हंसते हैं कि लिप्स हंसते हैं, तो ऐसा बोलेंगे तो हमेशा ही 24 घंटे हंसता ही रहेगा क्या? वो जब अंदर से इच्छा नहीं निकलेगी तो आप हंस करके दांत भी नहीं खुल सकते हो। वो अंदर से जब इच्छा नहीं होगी तो आप रो भी नहीं सकते हो। आपने देखा है कभी, आप अपना ही फोटो ले लेना वीडियो करके, जब आपको हंसना आता है तब आपका फेस कैसा होता है, और जब आपको रोना आता है तब आपका फेस अलग ही प्रकार का क्यों बन जाता है, और क्रोध आता है तब आप अपना वीडियो लीजिए, फोटो लीजिए, पता चलेगा आपको क्रोध के अंदर जो आपके चेहरे के हाव भाव क्यों बदल जाते हैं। और ऐसे इन इच्छाओं के अंदर हाव भाव क्यों बदल जाते हैं, चेहरा वही है, फेस एज इट इज जो है जैसा है वही है, कोई फर्क नहीं है। दो आंख नाक कान हाथ पूर्ण का चेहरा है आपका, तो वो चेहरा जिस समय जिस कर्म की प्रकृति में साथ जुड़ता है, वो कितने प्रकार की कर्म प्रकृतियों से बदलता हुआ चेहरा कैसे हाव भाव को व्यक्त करता है, वो कौन है अंदर? मन नहीं है ये। आज पहले ये हम थोड़ा क्लेरिफिकेशन कर लें। आप हमेशा एक जनरल लैंग्वेज हो गई है पब्लिक के अंदर, कि वो पब्लिक की जनरल लैंग्वेज के अंदर सब मन खसता है, मन रोता है, मन करता है, मन करता है, ऐसा विषय वासना की काम इच्छा हो गई तो लोग मन के ऊपर दोषारोपण कर देते हैं। अरे भाई इसका मन खराब है, इसके मन में चंचलता ज्यादा है, इसको किसी को देखकर मन विकारों से भर जाता है, वासनाओं से भर जाता है। ये हम जब बोलते हैं ये औपचारिक लैंग्वेज है, औपचारिक लैंग्वेज है, जिसने अभी तक कभी बरोबर डिटेल में ओरिजिनल समझाई नहीं है वो इस प्रकार की भाषा बोलेगा। अब वो एक से ही भाषा परंपरा में बड़ों से छोटे सुनते आते हैं तो वो भी वैसे ही भाषा बोलता है। लेकिन ये जिसको विवेक होगा, मन और आत्मा के भेदक ज्ञान को जो अच्छी तरह से समझ सकेगा, वो बरोबर जो है ये समझ करके ही चलेगा सब, ख्याल है, तो वो बरोबर समझेगा सब। आरती बहन, व्हाट डू यू वांट टू आस्क द क्वेश्चन? हाँ,
अवचारिक क्या है? कैजुअल है? नहीं, अवचारिक लैंग्वेज. अवचारिक, अपने कॉमन लैंग्वेज. It's one type of the common language. The common people are using this type of language. My mind is thinking, my mind is doing, my mind is so. So the mind is thinking and mind is doing and mind. It is general language. It is one type of common public ki language hoti hai. Lekin nobody knows the roots of that. Khayal aaya ki nahi? To wo humko pehle samajhna hai. Ab inme se nikalti hui sab ichhaon ke prakar, the kinds and the types of इच्छाओं के प्रकार करो. अब कौन सी अच्छी है, कौन सी खराब है, कितनी अच्छी है, कितनी खराब है, आप देख लो. कमठ ने निर्णय कर लिया अपने अनंतानुबंधी कसाय के साथ कि मरुभूति को मैं ही मारूंगा, जन्म जन्म में मारता ही रहूंगा. अब ये उसकी इच्छा हुई कि नहीं हुई? बड़ा भाई छोटे भाई को मारने की इच्छा व्यक्त कर रहा है और वो अनंतानुबंधी के द्वेष में गांठ बांध के पकड़ के रखता है. कल कोई किसी की इच्छा हो तो ज्ञान तरंगे द्वेष भाव में आई, वो क्रोध में प्रकट होगी. मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं इनको बदनाम करके ही रहूंगा, सब जनों को बोलूंगा, सबको बताऊंगा, सबको कहूंगा. सब अब वो अनंतानुबंधी कसाई की धारा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कितना जल्दी जा रहा है, कितनी राग द्वेष की तीव्रता में. अब आप क्या बोलेंगे? कर्म कर्ता नहीं है, कर्ता आत्मा ही है, कर्म कारणीभूत निमित्त है. अरे बस भेद ज्ञान करके रियलिटी समझ में आए तब जाकर के लैंग्वेज आपकी चेंज होगी, नहीं तो नहीं होगी. नहीं तो हम जनरल लैंग्वेज बोलते हैं, कर्म करता है, कर्म करता है, कर्म करता है. तो कर्म के ऊपर आत्मा का कंट्रोल है कि आत्मा के ऊपर कर्म का कंट्रोल है? बोलिए जैन साहब क्या है? आत्मा पूरा कंट्रोल में है, आत्मा ही सोचती है, आत्मा ही इच्छा करती है, आत्मा सब. आत्मा कर्म के कंट्रोल में है कि कर्म आत्मा के कंट्रोल में, ये उत्तर देता है. कर्म, कर्म आत्मा के कंट्रोल में. बोलो प्रवीण भाई क्या बोलेंगे आप? कर्म नो कंट्रोल आत्मा में छे. अने आत्मा पर कर्म नो कंट्रोल छे के नहीं? तो ये बात बड़ी विचित्र है, ध्यान देना. आचारांग सूत्र के अंदर महावीर स्वामी ये बात स्पष्ट कर रहे हैं. जब महावीर स्वामी को ये प्रश्न पूछा गया कि भगवान आत्मा के ऊपर कर्म का कंट्रोल है कि कर्म का कंट्रोल, कर्म के ऊपर आत्मा का कंट्रोल है, तब महावीर स्वामी ने जो जवाब दिया है वो मेहता जी आप सुनना. कथवी बलियो कम्मा, कथवी बलियो अप्पा, ये शब्द वहां आचारांग सूत्र में है. महावीर ये कह रहे हैं जब कर्म बलवान हो जाते हैं तब आत्मा को दबाते हैं, और आत्मा अपने ज्ञान दर्शन से बलवान हो जाए तब वो कर्म को दबाएंगे. आ रहे ना ख्याल में? धर्म किस लिए है? अकल मैं ये बोलूं मेरे तो सब कर्म है, मेरे तो सब कर्म है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे तो ये कर्म उदय में, मेरे तो ये कर्म, ये सब क्या बनाया मैंने, ये सब कर्म की प्रकृतियां, इंटरनल सब डिविजनल प्रकृतियां हैं. अब इन सब का उदय होता है, जो स्टॉक में पड़ी है तो इनका उदय तो होना ही होना है. अब ये जब उदय में होगा, जिसका जब उदय में आएगा, जिसका जो उदय में आए, तब क्या होगा? तो बराबर यहां से जो है ज्ञान तो तरंगे निकलती है. अब वो इधर आ गई तो इस कर्म की प्रकृति के उदय में इसने उसका कांटेक्ट किया, जो उदय में आए उसको लेकर बाहर निकले, तो वो वहां पर विचार में. लेकिन विचार में ही तो इच्छा है ना? विचार तो हमने क्या दिया है? मन से बाहर प्रकट होने वाली तरंग, वो विचार हो गया. अब विचारों में ही इच्छा है. अब विचारों में जब इच्छा आकर के जमनेगी, बढ़ेगी, तब वो कौन सी इच्छा होगी, तब वो कैसी इच्छा होगी, किस समय किस प्रकार की इच्छा होगी, तो ये जब हम देखेंगे तब हमको ये समझ में आ जाएगा.
अब इच्छा का डिवीजन जो है, अब आप इच्छा के डिवीजन में करिए सर। अब ये हमने कह दी कि इच्छा दो प्रकार के अलग डिवीजन में, अब आप इच्छा को अच्छी इच्छा कब कहेंगे, खराब इच्छा कब कहेंगे? बिना इच्छा के तो जीव कोई कार्य क्रिया प्रवृत्ति करता ही नहीं है। तो जब आप अच्छी कहेंगे तब कौन सी कहेंगे, खराब कहेंगे तब कौन सी कहेंगे? था किसी की वस्तु पड़ी है सामने, मुझे लेकर के उठाने की इच्छा हो गई, अब क्या करना? कोई चल रहा है किसी का पॉकेट गिर गया, कोई चल रहा है किसी का पर्स गिर गया, किसी का मोबाइल गिर गया, किसी के रुपए पैसे गिर गए, किसी के हाथ में से सोने की रिंग गिर गई साथ। अब पीछे वाले ने, चलने वाले ने देखा, ये जो अंदर लोभ की वृत्ति पड़ी है, ये लोभ के अंदर जो है, ये जितनी इसके अंदर कर्म की प्रकृतियां हैं, तो जैसे ही ज्ञान तरंगे इधर से उठकर आई और इसमें गए, और यहां से लेकर के जब वो बाहर मन से विचारों के अंदर बाहर आए, तब उसकी इच्छा हुई ये मैं उठा लूं, मैं ये उठा लूं, फटाक से इच्छा हो जाती है। खाने पीने वालों को आप देखिए कि जैसे ही खाने पीने की वस्तु सामने आती है, वो देखते ही खाने की इच्छा हो जाती है। एक भाई साहब जो है, अब वो जैसे ही अपनी बैग खोलते हैं और उसमें से खाने की चीज निकली, अब उनका व्रत है कि मुझे सूर्यास्त के बाद नहीं खाना है, रात्रि भोजन नहीं करना है, लेकिन जैसे ही उसने देखा, और घर में तो ट्यूबलाइट थी, अब ट्यूबलाइट के अंदर वो बैठे हैं, उनको तो मालूम ही नहीं है कि दिन है कि रात है, बाहर सूर्यास्त हो चुका है, लेकिन बैग खोली और खाने की चीज निकली, फट से मुंह में डाली, खाने वाले लग गए। अब जैसे ही बाहर से दूसरे भाई साहब आए, उन्होंने देखकर उनको पूछा, अब क्या खा रहे हो, जरा घड़ी तो देखो, बाहर सूर्यास्त हो गया। अरे अरे अरे, अच्छा 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 अच्छा, ऐसा है क्या? अब ये जो है वो किससे लाचारी किसकी है सा? अब धर्म कहाँ शुरू होगा? इच्छाओं पर नियंत्रण कैसे करना, तब धर्म शुरू होगा सा। अभी धर्म शुरू होने की बात बाद में है, हम यहाँ पर धर्म का विषय लेकर नहीं चल रहे, इच्छा के कारण आत्मा की सिद्धि कैसे करना सा? अब इनके बाद हम सारी संज्ञाओं को लेंगे इसमें नेक्स्ट क्लास के अंदर, आहार की, निद्रा की, भय की, मैथुन की, परिग्रह की, संग्रह की, वस्तुओं की, अब दुनिया भर की जो है, अब वो बाद में बात है, वो सब मोनीय कर्म के विभाग में आएगी, लेकिन वो सब हमको समझनी पड़ेगी, तभी ख्याल आएगा कि इच्छा तत्व क्या है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दैट। जैसे गंगा कहाँ से निकलती है वो आप ढूंढ के निकालते हो, सेम लाइक दैट यहाँ पर जो है इच्छा तत्व को समझना है। हाँ जी बोलिए चोरडिया जी साहब, टाइम हो रहा है। महाराज सा वो थोड़ा सा वो आत्मा और मन वाली जो बात है, जैसे महाराज साहब मेरे में, मेरे को खाने की इच्छा हुई और मैंने खाने की इच्छा क्या भाषा के द्वारा व्यक्त कर दी, तो मन का यहाँ पर रोल क्या आया महाराज के? मन का रोल जब इच्छा अंदर आत्मा में से प्रकट होगी, उन तरंगों को झेलने का रोल मन का है। मन आपके अंदर से जो तरंगे उठी उसको झेल करके बाहर विचार में व्यक्त करेगा, वो काम मन का है। तो भाषा क्या करेगी? करने का मकाम मन का नहीं है। तो भाषा क्या करेगी? भाषा ही तो बोल रही है ना वो बात की, मेरे मन में ये इच्छा हुई। भाषा नहीं बोल रही है, आत्मा बोल रही है। हाँ, आत्मा बोल, भाषा के द्वारा बोल रही है ना, आत्मा भाषा के द्वारा बोल रही है। हाँ, लेकिन आपके विचारों में आ गया ना, पहले विचार आएंगे तब तो बोलेंगे, तो वो इच्छा तो है, डाइवर्ट तो हो गई, आप शब्दों में बोलिए या मत बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो महाराज कई प्रकार के विचार है, मुझे सब इच्छा में बोलना नहीं है। अच्छा हाँ, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अब मैं बोल के क्या करूं, लेकिन मेरे विचार में तो है, इच्छा में तो है, ये बात बहुत बड़ी बात है साहब। ठीक है महाराज, ठीक। हाँ जी चोरडी, हाँ चलिए जी बोलिए। सुनीता जी, हाँ
हाँ महाराज साहब, मेरा ये प्रश्न था, तो मतलब एक इंद्रिय से लेके चौर इंद्रिय जीव और असंगी पंचे इंद्रिय जिनके मन नहीं है, उनकी पर्याप्ति पूरी नहीं है, तो वो लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे, लेकिन उनके में भी सब है। एक्सप्रेस करने के लिए भाषा चाहिए, लेकिन मन भी नहीं है, भाषा भी नहीं है, वो एक इंद्रिय जीव है, लेकिन कर्म तो है, ये सब कर्म उसके अंदर पड़े हुए हैं। मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां एक इंद्रिय को, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति को, सबको पड़ी हुई है। अब उनके वहां पर आत्मा में कर्म का उदय तो होना ही होना है, ये सबके अंदर है, ये वेद मोहनी है। विषय वासना की इच्छा भी एक इंद्रियों में पड़ी है, दो इंद्रिय में पड़ी है, तीन इंद्रिय में पड़ी है, चौर इंद्रिय में पड़ी है, सबके अंदर पड़ी हुई है। विचार नहीं आएंगे, बस मन नहीं है ना तो विचार नहीं आएंगे, इतना सा फर्क पड़ेगा। कर्म की प्रकृतियों का उदय है तो वो अपनी काया से क्रिया तो कर लेंगे, शरीर तो चलेगा उनका। हाँ जी प्रवीण भाई बोलिए। वच में भी बात आई कि कर्म बलवान हो तो आत्मा नहीं काम करतु, अने आत्मा बलवान हो तो कर्म ऊपर कंट्रोल छे, तो आत्मा ने बलवान करनार कौन? ज्ञान दर्शन आदि छे। आत्मा जब अपने ज्ञान दर्शन आदि में तीव्रता से रत रहेगा तब आत्मा बलवान बनेगी। आत्मा का मुख्य गुण ही ज्ञान दर्शन है, उसको बलवान सशक्त करने वाला ज्ञान दर्शन है। और इधर क्या होता है कि आत्मा अपना ज्ञान तो रखती है 10-20%, और ये मोहनीय कर्म तीव्र हो गया और कसाय आदि भाव राग द्वेष आदि तीव्र हो गए तो वो उसमें जाकर के। तो महावीर ये कह रहे हैं आचारंग सूत्र में कि जब कर्म का उदय है और वो इतना सॉलिड इतना तीव्र बन जाता है तो आत्मा कमजोर क्यों हो जाती है, और वही आत्मा जब सशक्त बन जाती है तो अपने कर्मों का क्षय भी तो वही करती है। अब उसको ज्ञान दर्शन की तीव्रता चाहिए तो वो कर्मों का क्षय करेगा। हाँ जल्दी करिए। हाँ साहब नरेंद्र भाई धन्यवाद। महाराज साहेब ये जो इच्छा के जो सोर्स है आत्मा से होता है और एंड का प्रकट विचार रूप में होता है, क्या इसी को अध्यवसाय कहते हैं? हाँ बात अलग है, चाहे शुभ अध्यवसाय अशुभ अध्यवसाय, आप इसको भाव कहिए, भावना कहिए, इच्छा कहिए, पर नाम बदलिए, तरीके बदलिए, अलग अलग है। बोलिए नीति बहना। जल्दी करिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ बोलिए जी। मारे सर मेरा प्रश्न था कि आत्मा में ज्ञान तरंगे उठने के पीछे भी कोई कारण है या वो स्वभाव से उठती हैं? आत्मा है ही ज्ञानमय, द्रव्य ही ज्ञानमय है ना, ज्ञान दर्शन मुख्य गुण है। ओके, स्वभाव से ही उठेंगे। आत्मा है ही ज्ञान दर्शनमय है, और ज्ञान की तरंगे तो वैसे समुद्र में कैसे जो है तरंगे निकलती है वैसे नेचुरल है ना इसका। लेकिन जैसे ही ज्ञान तरंगे उठी कि इधर मोहनीय कर्म कसाय उसको खींच के पकड़ के ले लेता है। ये कर्म ऊपर है ना, ज्ञान के ऊपर, आत्मा के गुण के ऊपर ये कर्म है। ये जो है आत्मा है, ये ज्ञान है, अब ये इसके ऊपर कर्म आया, अब ये फटाक से उठते ही उसको तुरंत उठा लेगी। ये कर्म की प्रकृति है। अब कर्म की प्रकृतियों में सब अलग अलग प्रकार की है, इसलिए आत्मा कमजोर पड़ जाती है। वो अपने ज्ञान दर्शन को जैसे उठाती है और ये कसाय उसको, अब उसके पास आत्मा की कमजोरी क्या है, उसको ज्ञान बढ़ाया नहीं है उसने। अभी ज्ञानावरणीय कर्म से ज्ञान ढका हुआ है, दर्शनावरणीय कर्म से दर्शन ढका हुआ है। अब ये तकलीफ है ना सबसे बड़ी, तो आत्मा की ओन प्रॉपर्टी होते हुए भी वो कर्म के आधीन है, और फिर ये मोहनीय कर्म सबसे ज्यादा है, 80-90% ये कर्म है, ये उठा लेता है। चलिए साहब धन्यवाद। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो एरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोये सर्वसाहुणम, एसो पंच नमकारो सर्व पाप पणासनो, मंगलाणम च सव्ये सिं परमं भवै मंगलम, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम।
चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो दम्मो मंगलम चत्तारी लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो दम्मो लोकोत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शाश्वतम्।